मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमेन। पवित्र आत्मा का मन, क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु बोलते हैं मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। अब जीसस अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहे, 3 साल इनके साथ बिता चुके, 3 साल इनके साथ बिताने के बाद भी अभी भी बहुत सी बात है जो प्रभु यीशु इनसे प्रकट करना चाहते हैं। आप देखेंगे 3 साल की ट्रेनिंग के बाद भी जब प्रभु यीशु मरते हैं ये सब तितर बितर हो जाते हैं, ये स्वस्थ हो जाते हैं। प्रभु यीशु का मरना, मरकर उठना, स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठना, वो सब प्लान समझने में चेलों को टाइम लग गया। बोले हम फ्रस्ट्रेटेड है कि हम इतनी बात तुमको बताना चाहते हैं लेकिन तुम रेडी नहीं हो। आप एक बच्चा जो 2-3 साल का, आप उसको भारी सामान नहीं दोगे क्योंकि मैच्योर नहीं है, उसमें शक्ति नहीं है। और इस बात को समझिए कि किसी भी व्यक्ति को वो चीज नहीं मिलेगी जो वो संभाल नहीं सकता। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को वो चीज नहीं देते जो व्यक्ति संभाल नहीं सके। पहले परमेश्वर उसको उस लायक बनाते, उसके अंदर परिवर्तन लाते, उसको तोड़ते। तो यीशु बोल रहे हैं कि मुझे तुमको बहुत सी बातें भी समझाना है लेकिन तुम उसको बोझ ले नहीं पाओगे, तुम उसका भार ले नहीं पाओगे। लेकिन मैं सब बोला लेकिन, जब आत्मा आएगा। लाइफ में कोई भी चेंज होने से पहले अगर आदमी में चेंजेस नहीं है, कोई चेंज लाइफ में नहीं है। आमेन। वो परमेश्वर की उपस्थिति है, आत्मा की उपस्थिति है किसी के जीवन में जो उसकी सोच समझ देखने के तरीके बातों को बदल दे। हम क्या समझते हैं और हम क्या नहीं समझते हैं उसी से तो जीवन बनता है। लेकिन जब आत्मा आएगा वो तुम्हें हर सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। गाइड, गाइड कौन होता है? गाइड होता है जो आपको नेविगेट कराए, आपको सही दिशा दिखाए। सारे सत्य की नॉलेज में आत्मा गाइड करेगा। मतलब एक बिलीवर की लाइफ में, एक विश्वासी के जीवन में, प्रभु के चुने हुए के जीवन में जितनी इनकम्प्लीटनेस है सबका आंसर है जब आत्मा आएगा। जितनी वीकनेस है, जितनी दुर्बलता है, जितनी प्रेयरलेसनेस है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, उसका आंसर है जब आत्मा आएगा। लेकिन जब आत्मा आएगा जो कैपेसिटी उसमें नहीं है, जो डर उसको लगता है, जो फ्रस्ट्रेशन उसकी लाइफ में, जो भटका हुआ जीवन में, लेकिन जब आत्मा आएगा, प्रभु किसी को समझ दे, आत्मा आएगा पहला काम क्या करेगा? गाइड। इसीलिए कोई भी विश्वासी अंधेरी घाटी में खोएगा नहीं, गाइड है उसके पास, वो गाइड उसको अंधेरी घाटी से बाहर लेके आएगा। आमेन। क्योंकि उसके पास वो टेस्टिमनी है, वो मेरा पिता है, हम अभागे और हम असहाय नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता करने आए हैं। वो सब चीज जो पिता ने मेरे लिए चाही है उसमें मुझे लीड करने के लिए आया। वो सब बातें जो यीशु मसीह मुझे बताना चाहते हैं वो बातें बताने के लिए आया। आत्मा जब आएगा वो चीजें तुम जो नहीं जानते वो तुम जानने लग जाओगे आत्मा के द्वारा। मैं सब बोला आत्मा के द्वारा। वो बातें बताएगा जो वो सुनता है और तुम्हें वो बातें घोषणा करेगा जो बातें आने वाली है। मतलब फ्यूचर की भी बातें तुम पे रिवील्ड होगी, क्योंकि परमेश्वर अंत को शुरुआत से ही निर्धारित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। वो मुझे महिमा देगा और जो मेरा है वो लेके तुम पे घोषणा कर देगा। इंग्लिश में ऐसे, ही विल टेक दैट व्हाट इज माइन एंड डिक्लेयर इट अनटू यू। वो जो मेरा है वो लेके तुमको बता देगा, तुम पे प्रकट कर देगा। आमेन। जो भी यीशु का है सोचो, वहां से लेके तुमको दे देंगे, वहां से सुन के तुमको बता देंगे। और आत्मा किस लिए आया? आत्मा आया प्रभु यीशु को महिमा देने के लिए। फिर वचन कहता है पहला कुरिन्थियों में, आत्मा सब बात खोजता है। तो सोचो, आत्मा सब बात खोजता है और परमेश्वर की गहरी बातों को भी खोजता है। आमेन। स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स, वो सब बात को खोजता है और परमेश्वर की गहरी बातों को भी।
तो परमेश्वर की गहरी बात खोज के तुम पे प्रकट कर देगा। वो जो सब भी पिता से मुझे मिला है वो मेरा है, और आत्मा क्या करेगा, जो मेरा है वो लेके तुम पे प्रकट कर देगा। हालेलुया।